हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो नर्सिंग। तो आज हम देखेंगे ईएसआईसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो है 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नॉर्मल पैराइटल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नॉर्मल बाइपैराइटल मेजरमेंट ऑफ फुल टर्म फीटस है, ठीक है। इसमें पूछा है कि जो नॉर्मल बाई पैराइटल मेजरमेंट होता है एक फुल टर्म फीटस का के हेड का, वो कितना होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस एक लेक्चर में, मैंने पढ़ाया था कि फीटल स्कल, ठीक है, फीटल स्कल में हमने उसके डायमीटर्स पढ़े थे। डायमीटर्स में हमने देखा था ट्रांसफर डायमीटर। तो ट्रांसफर डायमीटर बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज बाइपैराइटल, बाइटेम्पोरल एंड बाइमैस्टोइड। That is a parameters of diameters of transfer fetal skulls, ठीक है। तो मैंने इसमें देखो, ये सपोज करो ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, ईयर्स है, ठीक है। तो ईयर का जो शेप होता है लाइक एट होता है, ठीक है, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेट इज टेम्पोरा पार्ट। तो बाई टेम्पोरा कितना हो गया हमारा, 8 सेंटीमीटर। बाई पेराइटल जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पैराइटल बोन। पैराइटल बोन क्या हो, कहाँ होती है, हमारे टेम्पोरल एरिया से अबव ऊपर होती है, राइट। तो हमारा जो बाई पैराइटल डायमीटर्स होगा डेट इज 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टेम्पोरल से ऊपर हमारी क्या होती है, पैराइटल बोन, तो ऊपर है मीन ज्यादा है, तो 8 सेंटीमीटर हमारा बाइटेम्पोरल हो गया और बाइपैराइटल हमने कितना किया, 9.5। अब जो मैस्टोइड बोन होती है वो क्या होती है, टेम्पोरल बोन से नीचे, ठीक है। तो डेट मींस वो 8 सेंटीमीटर से कितना होगा, कम होगा। तो डेट इज अ पैरामीटर्स या फिर डायमीटर्स ऑफ फीटर स्कल। तो इसका आंसर हुआ हमारा सी, 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेगेटिव बॉडीज आर फाउंड इन सेल इन्फेक्टेड विद, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर है डेट इज रैबिस वायरस, ठीक है, क्योंकि रैबिस ये नेगेटिव बॉडी कब बनती है, जब रैबिस वायरस एंटर करता है बॉडी में, ठीक है, बाय द डॉग बाइट। डॉग बाइट के थ्रू जब रैबिस वायरस क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और वो क्या बनाएगा, वहां पे नेगेटिव बॉडी बनाएगा और ये रैबिस वायरस बनाता है, ठीक है। तो डॉग बाइट के टाइम पे क्या होता है, नेगेटिव बॉडीज बनती है सेल्स में और इस कौन बनाता है, डेट इज रैबिस वायरस। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट थर्ड है बूफिंग कफ इज कोज बाय, जो बूफिंग कफ है वो किसके द्वारा कोज होती है। फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस वायरस, सेकेंड इज पर्ट्यूटिस बेसिलस, थर्ड इज वेरिसेला वायरस एंड फोर्थ इज नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन। तो किसके द्वारा होता है बूफिंग कफ, डेट इज पर्ट्यूसिस बेसिलस, ठीक है। तो पर्ट्यूसिस बेसिलस क्या है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट आता है हमारा
क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, विच वन इज Which one of these is not an obstructive forceps? Means which one? इनमें से means जो ये चार option दिए हैं, option A, option B, option C, option D. इनमें से one of these is not means नहीं है, ठीक है? Obstructive forceps means कौन सा obstructive forceps नहीं है, ठीक है? तो that is कौन सा नहीं होता है, बताओ? हैंगी फोर्स, फैग्रसन फोर्सेप भी होता है, बैगेज फोर्सेप भी होता है, किस हैंड फोर्सेप भी होता है, बस ये सी ऑप्शन नहीं होता, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ एनी फोर्सेप नॉट फाउंड इन ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्सेप्स. नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन, डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस ग्रोस और फाइन मोटर इन कोऑर्डिनेशन कॉल्ड, ठीक है? मींस डिफिकल्टी होना मींस कठिनाई होना अचीव करने में और मेंटेन करने में बैलेंस एंड ग्रोस और फाइन मोटर के कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन आर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया स्पेशलिटीज एंड अटैक्सिया, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड आंसर नंबर डी, दैट इज आंसर हो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. नेक्स्ट आता है इसमें लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन वर्टिब्रा, ठीक है? लंबर पंचर हम कौन सी वर्टिब्रा में करते हैं, ठीक है? L1, L5 या L3, L4, L1, L2, L4 या फिर L5, ठीक है? कौन सी वर्टिब्रा में करते हैं? तो इसमें क्या आता है, L3 एंड L4 किस में करेंगे, एडल्ट में, ठीक है? अगर हमारा पेशेंट क्या है, एडल्ट है, तो हम कहां पर करेंगे, L3 एंड L4 इफ एडल्ट, पेशेंट क्या है, एडल्ट है. बट अगर पेशेंट क्या है, चिल्ड्रन है, देन L4 एंड L5 हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं पूछा है, ना ही एडल्ट के बारे में पूछा है, ना ही चिल्ड्रन के. वो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें कोई भी एक पार्टिकुलर चीज़ नहीं दी है कि एडल्ट के में बताना है या चिल्ड्रन में बताना है, तो वहाँ पर हम एडल्ट ही कंसीडर करते हैं, ठीक है? क्या कंसीडर करते हैं, एडल्ट. तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज L3 एंड L4. नेक्स्ट आता है द नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस वेट इन ग्राम इज, जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है वो कितना होता है, 95 kg, 80 kg, 60 ग्राम, 80 ग्राम, 95 ग्राम या फिर 50 ग्राम, क्योंकि ग्राम में पूछा है, ठीक है? तो डेट इज 60 ग्राम, डेट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज पर्निशियस एनीमिया इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय लैक ऑफ, मींस जो पर्निशियस एनीमिया है
कॉमनस मींस कॉमन किसकी किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। डेट इज कौन से विटामिन से होता है, तो विटामिन B12 फर्स्ट ऑप्शन, विटामिन सॉरी फोलिक एसिड, आयरन या कैल्शियम, ठीक है। बताओ तो पर्निशियस एनीमिया कॉमनस कौन से, विटामिन की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है, देखो इसमें क्या है हमारा आंसर, आंसर नंबर ए विटामिन B12 जिसको हम क्या बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, क्या बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, ठीक है। दैट इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, ठीक है। फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्या होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी से होता है, तो डेट इज फोलिक एसिड की कमी से। नेक्स्ट देखो नाइन, क्वेश्चन नंबर 9 इज कॉमन एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटियल डायरिया, ठीक है। मीन्स कॉमन ऐसा इनमें से कौन सा एजेंट है जो रेस्पॉन्सिबल है कॉमनली, ठीक है, कॉमन रेस्पॉन्सिबल है इन्फेंट टाइम में डायरिया को कोज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए रोटावायरस, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर सी कोयल, ऑप्शन नंबर डी इज एंटामोबिया हिस्टोलेकिया, ठीक है। तो कौन सा है, दैट इज रोटावायरस, ठीक है। रोटावायरस क्या है, एक कॉमन एजेंट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है इन्फेंट ड्यूरिंग इन्फेंट क्या करने में, कोज करने में डायरिया। नेक्स्ट आता है इम्फाइमा मींस, ठीक है, इम्फाइमा का मींस क्या होता है, नेक्स्ट इज इम्फाइज इम्फाइमा मींस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, ऑप्शन नंबर बी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन नंबर सी कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज न्यू ग्रोथ इन द लंग्स। तो एम्फाइमा का क्या मींस होता है, देखो एम्फाइमा, ठीक है, पी वाई जहां पर पी वाई का मींस क्या होता है पस, ठीक है। अब इन ऑप्शन में पस कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में, तो एलिमिनेट करना करके भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जैसे व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर टेपिड स्पंगिंग, मींस अगर हम टेपिड स्पंग कर रहे हैं पेशेंट को तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो दैट इज 27 से 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसका होना चाहिए, टैप्ड वाले वाटर में जब हम स्पंग कर रहे हो, ठीक है, पेशेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, ये वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। तो कब किया जाता है,
सेवन अप्रैल, ठीक है। तो 7 अप्रैल को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है विच इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन मिल्क, ठीक है। मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए जो सेफेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है, तो डेट इज पाश्चराइजेशन। क्या होता है, पाश्चराइज, ठीक है, या पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन डेट इज अ मेथड ऑफ कैप्टी स्पंजिंग, ठीक है, सॉरी प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क। क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2016 में सिर्फ नंबर फर्स्ट में आए थे, ठीक है। अभी फिलहाल जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।